राजकोट के इसी आत्मीय कॉलेज में गुजरात बीजेपी की दो दिन की कार्यकारिणी मिलने जा रही है शनिवार से, और उसके ठीक एक दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा हो गया है संजय जोशी का। संजय जोशी जो कि एक समय इसी गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे थे। ऐसे में गुजरात बीजेपी किस तरीके से देख रही है संजय जोशी के इस्तीफे को, हमारे साथ है विजय रूपानी, गुजरात की जो बीजेपी इकाई है उसके महामंत्री हैं, साथ में राज्यसभा के सदस्य हैं। विजय भाई, गुजरात बीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया संजय जोशी के इस्तीफे पर जो उन्होंने बीजेपी से दिया है। एक्चुअली उसमें कोई प्रतिक्रिया की बात नहीं है, ये संजय जोशी का खुद का अंगत मामला है, उन्होंने तय किया है, इस्तीफा दिया है, तो इसके बारे में हम लोग क्या प्रतिक्रिया दें, तो देने के लिए मैं मानता हूं कि ये उचित नहीं है। आरोप ये है कि गुजरात के मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनसे संजय जोशी की नहीं निपटी, और संजय जोशी का जो बीजेपी से इस्तीफा हुआ है वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दबाव था नितिन गडकरी पर उसकी वजह से हुआ, इसके बारे में गुजरात बीजेपी के महामंत्री के नाते आपका क्या कहना है? नहीं, ये सब गलत बात है। एक्चुअली संजय जोशी के बारे में कई दिनों से पार्टी में उसका मामला चल रहा था, और पार्टी और संजय जोशी के बीच का यह मामला है, कोई नरेंद्र मोदी का दबाव और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। ऐसे में अगर जो है बीजेपी से इस्तीफे के बावजूद संघ में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो क्या नरेंद्र मोदी का संकट कम हो पाएगा? ये संघ का मामला है, संघ उसको जिम्मेदारी देने चाहती है नहीं चाहती है इसके बारे में भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये संघ का विषय है।